सुनील डिंपल ने जम्मू कश्मीर सरकार और जेएमसी जम्मू के खिलाफ आज एक विरोध प्रदर्शन किया। डिंपल ने कहा कि जम्मू वेस्ट के वार्ड 26 के लोग हाथ में कचरा लिए जगह जगह नजर आ रहे हैं, लेकिन कई दिनों से कोई जेएमसी की गाड़ी कचरा उठाने नहीं आई, जिस कारण कूड़े का ढेर देखने को मिल रही है और प्रशासन शहर को ग्रीन सिटी बनाने का दावा कर रही है। शर्मा साहब के गेट के सामने बहुत गंदगी हमारे गेट के सामने भी है, जिधर से कोई आता है वहाँ आके डाल जाता है, क्योंकि कोई उठाता ही नहीं है। और ये बहुत दिन से इस तरह से ये बाजार बनाया हुआ है, इसलिए इसका कोई ना कोई इंतजाम होना चाहिए। देखो, हमारे जम्मू पश्चिमी विधानसभा क्षेत्र में न्यू प्लॉट, सरवाल, रिहाड़ी, बख्शी नगर, तालाब तिल्लो, सरवाल अस्पताल के बाहर, कहीं भी आप शिवनगर, शक्ति नगर जाओ, ये जम्मू पश्चिमी विधानसभा क्षेत्र जो है ये सबसे गंदा, पिछड़ा, डर्टीएस्ट, बैकवर्ड विधानसभा क्षेत्र है। आज आप देखिए कि पूरे क्षेत्र में कई कई दिन हो गए हैं जम्मू नगर निगम का कोई भी ऑटो या कोई गाड़ी नहीं आ रही है मोहल्लों में, जो कि लोगों के घरों में गंदगी को साफ कर सके। आज लोगों के घरों में सात सात दिन से डेंगू के मौसम में ये गंद पड़ा हुआ है, लेकिन जम्मू नगर निगम अपनी ये नींद से जाग नहीं। जम्मू नगर निगम क्या कर रही है, इसी को आज दर्शाने के लिए ये एक नमूना आपको दिखाया है मीडिया के माध्यम से और जम्मू नगर निगम को, कि अगर ये ठीक नहीं हुआ तो जो लोग हैं वो हर रोज यहाँ पे प्रदर्शन करेंगे।